स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व पेज नंबर 45 ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक. इंग्लिश ग्रामर बुक का पेज नंबर 45 खोलना है, डेट डालनी है, एंड वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू टुडे. सो एज द हेडिंग सेज, हमें एंटोनियम्स पढ़ने आज. बाय अ कम्प्लीटली न्यू वर्ड, ठीक है, यानी हमें एंटोनियम्स वो चीज़ होती है जो वर्ड का बिल्कुल ऑपोजिट यानी कम्प्लीटली न्यू वर्ड होता है. ठीक है, अब लेट्स सी व्हाट लाइक कितने सारे यहाँ पे एंटोनियम्स हैं. हम उन्हें रीड करेंगे, समझेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू लाइक प्रोसीड. अब तो यहाँ पे पहला वर्ड है अबव, यानी ऊपर. उसका एंटोनियम है बिलो, यानी नीचे. एक्सेप्ट यानी किसी चीज़ को मान लेना, रिफ्यूज़ यानी रद्द कर देना. एडल्ट बड़ा, चाइल्ड बच्चा. अलाइव जिंदा, डेड मुर्दा. ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं. आंसर यानी जवाब देना, क्वेश्चन सवाल करना. अराइव पहुंचना, डिपार्ट चले जाना. असलीप यानी सोना, सोता हुआ. अवेक यानी जागा हुआ. ऑथर लिखने वाला, रीडर पढ़ने वाला. बैड बुरा, गुड अच्छा. ब्यूटीफुल खूबसूरत. अगली यानी बुरा दिखने वाला. बेटर बेहतर चीज़ को बोलते हैं, और वर्स यानी बुरी चीज़ को बोलते हैं. बिटर कड़वा, स्वीट मीठा. बाय खरीदना, सेल बेचना. चीप यानी सस्ता, एक्सपेंसिव महंगा. क्लीन साफ करना, डर्टी गंदा. क्लेवर चालाक, स्टूपिड, जो कि जिसके पास अकल ना. कोल्ड ठंडा, हॉट गर्म. क्रूल यानी सख्त. काइंड यानी नरम मिजाज. कस्टमर जो ख़रीदने वाला होता है, और शॉपकीपर जो कि बेचने वाला होता है. अब वहाँ पे और भी एंटोनियम्स हैं दूसरी साइड पे. डीप गहरा, शैलो यानी जो ऊपर ऊपर से हो. ठीक है, जैसे डीप फ्राई होता है, हम ज़्यादा तेल में करते हैं. शैलो फ्राई कम तेल में करते हैं. डिफीट हारना, विक्ट्री जीतना. डिफ़िकल्ट मुश्किल, इजी आसान. ड्राई सूखा हुआ, वेट गीला. ड्वार्फ छोटे कद का जो इंसान होता है, और जाइंट जो कि बहुत बड़े कद का इंसान होता है. अर्ली ड्वार्फ हम बोने को बोलते हैं. अर्ली जल्दी, और लेट देर से. एनिमी दुश्मन, फ्रेंड दोस्त. एम्प्टी खाली, फुल भरा हुआ. एंट्रेंस दाखिल होना, एग्जिट निकलने वाली जगह. इवनिंग शाम, मॉर्निंग सुबह. एवरीवेयर हर जगह, नोवेयर यानी कहीं भी नहीं. फेल हो जाने को बोलते हैं, किसी चीज़ में पीछे रह जाने को बोलते हैं. और पास यानी किसी चीज़ को गुजर जाने से को बोलते हैं. फॉल्स गलत, ट्रू सच. फेमिलियर यानी जाना पहचाना, स्ट्रेंज जिसको हम नहीं जानते. फार दूर, नियर करीब. फैट मोटा, लीन पतला. फ्यू यानी चंद, मैनी यानी बहुत. फर्स्ट यानी पहला, लास्ट यानी आखिरी. फूलिश यानी बेवकूफ़, वाइज अकलमंद. फॉरगेट यानी भूल जाना, और रिमेंबर मीन्स याद रखना. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे एंटोनियम्स हैं जिनको हमने रीड किया है, और मैंने मीनिंग्स भी बताए हैं आपको. बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये पेज देखना है, समझना है वीडियो से, एंड देन यू आर गोइंग टू लर्न दिस पेज. सारे आपको एंटोनियम्स याद करने हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू स्विच ऑन टू द नेक्स्ट पेज, जिस पे एक्सरसाइज है विच सेज कि राइट द एंटोनियम्स. यानी यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं मिक्स करके, और आपको इनके रिस्पेक्टिव एंटोनियम्स लिखने हैं. तो जो आप याद करेंगे उसी को आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जो आपने याद किया है उसकी स्पेलिंग्स देखनी है, प्रोनंसिएशन देखनी है, और यहाँ से फिर आपको यहाँ पे अपने आंसर्स फिल करने हैं. और करने के बाद यू आर अगेन गोइंग टू वॉच द वीडियो, एंड देन यू आर गोइंग टू चेक द आंसर्स, और यू कैन ऑल्सो चेक योर स्पेलिंग्स एंड द आंसर्स फ्रॉम दिस पेज. ओके, ट्राई टू लर्न इट एंड नॉट कॉपी इट. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. यू इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन स्टिल आस्क बिलो द वीडियो.